माय फ्रेंड वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि WWE ड्राफ्ट में रोमन रेंज अपनी ब्रांड बदल चुके हैं और स्मैकडाउन में जा चुके हैं, जिसके बाद सभी के मन में काफी सवाल हैं कि अब आगे रोमन रेंज के लिए क्या होने वाला है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या रोमन रेंज साल 2019 में WWE चैंपियन बन सकते हैं या नहीं, वो भी डिटेल्स में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। हाल ही में हुए ड्राफ्ट के बाद रोमन रेंज स्मैकडाउन में जा चुके हैं, जिसके बाद काफी फैंस के मन में ये बात उठ रही होंगी कि अब तो रोमन रेंज कॉफी किंगस्टन को हरा के WWE चैंपियन बन सकते हैं। अब इसी बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है, बट रोमन रेंज को लेके इस पे र्यूमर्स काफी हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। जैसा कि रोमन रेंज काफी लंबे टाइम से यूनिवर्सल टाइटल की पिक्चर में दिखाई दिए थे, बट वो यूनिवर्सल चैंपियन काफी लंबे टाइम बाद SummerSlam 2018 में बने और उसके बाद भी उन्हें अपना टाइटल ड्रॉप करना पड़ गया था ल्यूकेमिया की वजह से, जिसके बाद उन्होंने 4 महीने बाद वापसी करी और उसके बाद से WWE रोमन रेंज को लेके बड़ा फूक फूक के कदम रख रही है। WrestleMania 35 में रोमन रेंज की फ्यूड ड्रू मैकइंटायर के साथ दिखी और वो WrestleMania 35 में ही खत्म हो गई और अब रोमन रेंज स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किए जा चुके हैं। रोमन रेंज की स्मैकडाउन में एंट्री विंस मैकमैन और अलायंस पर अटैक करके हुई थी। वहीं स्मैकडाउन में अब रोमन रेंज को चैलेंजर मिलेंगे, जिनके साथ लंबे टाइम से रोमन रेंज की कोई फ्यूड नहीं दिखी है। अब आने वाले टाइम में रोमन रेंज की फ्यूड अलायंस के साथ दिख सकती है या अथॉरिटी अपना कोई सुपरस्टार रोमन रेंज के खिलाफ उतार सकती है विंस मैकमैन पर अटैक करने के बदले। वहीं स्मैकडाउन ऑफ एयर होने के बाद हमें रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच भी मैच दिखाई दिया था, तो काफी हद तक उम्मीद है कि रोमन रेंज की फ्यूड हमें रैंडी ऑर्टन या अलायंस के साथ देखने को मिल सकती है। वहीं अब कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि रोमन रेंज अब स्मैकडाउन में आ चुके हैं, तो वो जल्द ही WWE चैंपियन बन सकते हैं, बट आप सभी को बता दूं ऐसा नहीं होने वाला है और जल्दी तो छोड़िए आप। रूमर्स ऐसे हैं कि WWE रोमन रेंज को साल 2019 में चैंपियन नहीं बनाने वाली है और हो सकता है उन्हें टाइटल पिक्चर में ही ना डाले, और अगर डालेगी तो साल 2019 के बिल्कुल आखिरी में, जिसके बाद साफ ये होता है कि रोमन रेंज साल 2019 में WWE चैंपियन तो नहीं बनने वाले हैं। अब आगे सिचुएशन क्या होती है उसके बेस पर शायद WWE अपने प्लान में चेंजेस कर सकती है। वैसे WWE का ऐसा ना करने के पीछे कारण यही है कि रोमन रेंज 4 महीने बाद लौटे हैं, तो WWE उनको लेके रिस्क नहीं लेना चाह रही है। अगर इमेजिन करते हैं कि WWE कुछ टाइम बाद ही रोमन रेंज को कॉफी किंगस्टन के सामने डाल देती है, तो रोमन रेंज के लिए काफी खतरनाक हो जाएगा। वैसे तो रोमन रेंज एज अ सुपरस्टार कॉफी किंगस्टन पर भारी पड़ेंगे, बट कॉफी किंगस्टन 11 साल बाद चैंपियन बने हैं और उनकी पॉपुलैरिटी इस टाइम आसमान छू रही है, और अगर WWE कॉफी किंगस्टन को रोमन रेंज के हाथों हरवाती है तो रोमन रेंज को फिर से वही मिलना शुरू हो जाएगा जो पहले होता था। शायद इस वजह से WWE गलती नहीं करने वाली है, रोमन रेंज को इतनी जल्दी WWE चैंपियनशिप पिक्चर में नहीं डालने वाली है। तो यही कुछ रीजन हो सकते हैं कि रोमन रेंज को साल 2019 में चैंपियन नहीं बनाने का और धीरे धीरे रोमन रेंज को आगे बढ़ाएगी WWE। रॉ में उन्हें काफी बूम मिलता था, शायद इस वजह से ही उन्हें स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किया गया है। आई होप अब आप सबको क्लियर हुआ होगा कि WWE हाल फिलहाल रोमन रेंज को कॉफी किंगस्टन के सामने WWE चैंपियनशिप के लिए नहीं उतारने वाली है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत आसमान छू रही है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।